समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। राज्यसभा चुनाव शुरू होने के करीब एक घंटे बाद ही विधायक मनोज कुमार पांडे ने पार्टी के मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें, वह रायबरेली की उंचहारा विधानसभा सीट से विधायक है, साथ ही समाजवादी पार्टी के कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। वह लगातार प्रदेश सरकार के खिलाफ विधानसभा में आवाज़ बुलंद करते हैं। आपको बता दें, इसको लेकर राज्यसभा चुनाव ने क्रॉस वोटिंग की संभावना जताई जा रही है। सुबह करीब 9 बजे वोटिंग शुरू हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी अपना मतदान कर लिया है। आपको बता दें, भाजपा को अपने 8वें और समाजवादी पार्टी को 3रे प्रत्याशी को जिताने के लिए अतिरिक्त मतों की आवश्यकता होगी। इससे चुनाव में क्रॉस वोटिंग के प्रबल असर है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव सुबह विधानसभा परिसर जा रहे हैं। इसी दौरान क्रॉस वोटिंग के सवाल पर जवाब देते हुए वे लोग समाजवादी पार्टी के चिन्ह पर चुनाव जीते हैं। दूसरी तरफ क्रॉस वोटिंग के सवाल पर अखिलेश ने कहा, हमें उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी के 3ों प्रत्याशी जीतेंगे। इसके अलावा भाजपा चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। जिन्हें कुछ लाभ मिलना होगा वे भाजपा की तरफ जाएंगे। उम्मीद है समाजवादी पार्टी के 3ों जीतेंगे, लेकिन खबरें जो आ रही हैं आप भी जानते हो, जो दूसरों के लिए कांटा बोते हैं एक दिन उनके लिए भी कांटे मिलते हैं, जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं एक दिन वो खुद भी उस गड्ढे में गिरते हैं। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपना सकती है, कोई भी लाभ देने के लिए आश्वासन दे सकती है। बीजेपी है, जीतने के लिए सब कुछ करेगी। वो जो लाभ पाने वाले चले जाएंगे, जिनको लाभ मिलना होगा कुछ, वो जरूर चले जाएंगे। या जिनको बहुत वादा किया होगा कि आपको चुनाव में ये कर दिया जाएगा, ये मिल जाएगा, वो चले जाएंगे। देखिए, आप लोगों के द्वारा पता चल रहा है और ये देखिए, समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह से जीते थे, तो देखिए देखा जाएगा आगे इस तरीके से अगर होगा तो फिर बाद में हम लोग भी देखेंगे। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।